हेल्थ प्लस प्रोग्राम तुहाडा सब का स्वागत है। ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं आईवी हॉस्पिटल हुशियारपुर। यह हॉस्पिटल मरीजों लई एक वरदान है। यह एक मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल है जिथे कि अज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। दूरों दूरों पेशेंट्स इतने पहुँचते हैं तो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। डॉक्टर्स डे के मौके साडी टीम ने आईवी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के नाल गलबात की, जिन्होंने डॉक्टर्स डे की लख लख बधाई दी और आईवी हॉस्पिटल बारे सानू विस्तार से जानकारी दी। आओ लैके चलते हैं आईवी हॉस्पिटल हुशियारपुर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आईवी हॉस्पिटल हुशियारपुर और ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे डॉक्टर रिंकी कक्कड़ जी से बात कर रहे हैं, जो एमडी मेडिसिन है और जिन्होंने कोरोना के एपिडेमिक में बहुत बड़ी सेवा की हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर डे के दिन सभी जो लुकाई है वो आपको नकमस्तक है। डॉक्टर्स को टुडे इज डॉक्टर्स डे, क्या कहना चाहेंगे कि आईवी हॉस्पिटल जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है और आप एज ए एमडी मेडिसिन सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी शुगर, थायराइड, बीपी ऐसी कोई भी शिकायत है तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि यही बीमारियाँ जो होती हैं शुरू में तो लगती हैं छोटी, बाद में अगर दवाइयाँ प्रॉपर ना ली जाएं या डायग्नोस ना प्रॉपर हो तो आगे चल के ये बीमारियाँ बहुत हानिकारक हो जाती हैं। ये एक्चुअली मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स की तरह आपके पूरे शरीर को इफेक्ट करती है। तो ये जो बीमारियां हैं जो जनरल पॉपुलेशन में, हमारे इंडिया को हमारा वैसे भी डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाता है, तो शुगर के लिए और थायराइड के लिए और बीपी के लिए ये तीन बीमारियां ऐसी हैं जो इजीली ट्रीटेबल विद मेडिसिन हैं और जिनके कॉम्प्लिकेशंस को आगे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थायराइड की बीमारी थायराइड तक ही सीमित रहे, ये हार्ट को भी इफेक्ट करती है। ऐसे ही शुगर की बीमारी सिर्फ शुगर की पैनक्रियाज तक ही सीमित रहे, ये भी हमारे पूरे शरीर को, हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है। दिमाग को, आपके ब्रेन में हिमरेज हो सकता है, ब्रेन अटैक आ सकता है, ऐसे ही हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है। आपको किडनी आपकी ख़राब हो सकती है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकते हैं और धीरे धीरे करके सारे अंगों को ख़राब कर देती है। तो यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपना हेल्थ का ध्यान रखें और सतर्क रहें, और ज़रा सी भी अगर आपको तकलीफ हो तो प्लीज़ डॉक्टर के पास आएं, चेकअप करवाएं, इधर उधर बाबाओं के पास मत जाइए। ये मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आए दिन ये पेशेंट्स देखते हैं, हमारे पास आते हैं जो बाबाओं के पास जाते हैं और उसके बाद हमारे पास आते हैं जब पूरी तरह से बिगड़े होते हैं। डॉक्टर्स डे पे मैं अपने सभी कलीग्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे सारे जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उनकी ये जो दिमाग में डॉक्टर्स की इमेज है वो अच्छी बने और वो डॉक्टर्स के बारे में गलत ना सोचे, अच्छा सोचे, बेहतर सोचे, क्योंकि ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी इंसान ही होता है। खुदा का दर्जा मत दीजिए उसे, इंसान समझिए। हाँ, वो कोशिश पूरी करता है, जान पूरी लगाता है अपनी मरीज बचाने के लिए। ईव ऑफ डॉक्टर्स डे क्या कहना चाहेंगे? आईवी हॉस्पिटल जो कि एक बहुत बड़ी चेन है और हुशियारपुर में ये एक मल्टी स्पेशलिटी की तरह हर तरह की फैसिलिटी दिए हुए है, और गैनी के फील्ड में खास करके अगर हम बात कर लें पेनलेस डिलीवरीज की, अगर हम बात कर लें इनफर्टाइल पेशेंट्स के लिए एक वरदान है क्योंकि आप लोग काउंसलिंग में ही दम रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के ज़माने में जैसे हमारी डाइट वगैरह बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, ठीक है, फीमेल्स अपनी ज़्यादातर अपने कैरियर के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है, तो लेट मैरिजेज होती हैं जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं आगे जाके, दे हैव अ डिफिकल्टी इन कंसीविंग, बेबी लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एक इनफर्टिलिटी IVF ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया हुआ है जिसके थ्रू हम वुमेंस को इंडक्शंस के लिए रखते हैं, उसके बाद उनके नेचुरली एग्स बनाते हैं और IUI के थ्रू वो कंसीव कर सकती है। इसी तरह अगर देखा जाए आगे हम अगर डिलीवरीज के लिए जाते हैं तो पहले नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन होती थी, ठीक है, तो हमारे पास अभी उसका एक ऑल्टरनेट आता है, हम एक इंजेक्शन लगवा देते हैं जिसके थ्रू ये पेनलेस हो जाती है, मतलब उनको दर्द की फीलिंग नहीं होती है, नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि PCOD जो कि एक एपिडेमिक बन चुका है और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और हर जो यंग बच्ची है, हर चौथी पांचवी बच्ची है जो है उसको ये प्रॉब्लम आ रही है उसको? PCOD एक्चुअली हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, सेम ऐसे वही चीज़ें बोलूँगी, लाइफ स्टाइल चेंजेस, आजकल बाहर का खाना, बर्गर, फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें खाने के कारण हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से PCOD एक कॉमन चीज़ है। इसको अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंजेस ही लेकर आ जाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें,
थोड़ा फास्ट फूड ऑयली फूड बंद कर दें तो ये नॉर्मल हो सकती है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि जो ऑपरेशंस हैं सर्जरियन जो हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज ये एक जरूरी चीज की तरह भी बन चुके हैं जो सर्जरियन है, क्योंकि बच्चे जो कमजोर हैं और उनमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो आईवी हॉस्पिटल है ये कंप्लीट हॉस्पिटल है, यहाँ पर सर्जरियन में भी आपको हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह के डॉक्टर्स है, हार्ट के डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं, न्यूरो के यहाँ मौजूद होते हैं, तो ये एक मल्टी स्पेशलिटी के तौर पर काम कर रहा है। जिस बंदे को भी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उन्होंने कोई सर्जरियन के लिए जाना दे। जी हाँ, जिन औरतों को जैसे प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है, शुगर की बीमारी होती है, कईयों के बच्चे कमज़ोर होते हैं, हम उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए रखेंगे तो बच्चे की हार्ट पे असर पड़ सकता है, तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, तो उस केस में हम सिजेरियन करते हैं। सिजेरियन की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, एनेस्थेटिस हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल है, मेडिकल पर्सन डॉक्टर तीर डॉक्टर रिंकी हैं, जो कि हम अगर हाई बीपी कुछ भी होगा तो उनको भी मैनेज कर सकते हैं। सो हमारे पास सारे तरह के सब 24 आवर्स ऑल स्पेशलिस्ट आर अवेलेबल, तो हम उनका अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। I will say wish all the happy Doctor's Day to all my colleagues। तो सर यूरोलॉजी जो कि हुशियारपुर में मेरा ख्याल है बहुत ही कम थी और आई वी हॉस्पिटल ये लेकर आया, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आप लोग इनफर्टिलिटी का भी, मेल इनफर्टिलिटी का भी स्वयं दे रहे हैं, और जो पहले कहते होते थे कि जिसके गदूद हो गए वो सारी जिंदगी ठीक नहीं होगा, उसके लिए भी आप नई नई टेक्निक्स लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनफर्टिलिटी के लिए हमारे हॉस्पिटल ने इनफैक्ट सिटी में फर्स्ट टाइम है IUI IVF शुरू किया है। हमारे गायनी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेल इनफर्टिलिटी में हम देख रहे हैं, और आज से काफ़ी साल पहले जो काफ़ी इश्यूज़ के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था या क्लियर नहीं होते थे, उसके लिए अब नए टेस्ट आ गए हैं, बहुत से लोगों को नई होप मिल रही है जिनको पहले बहुत मुश्किल पड़ती थी। दूसरी बात रही गदूदों के बारे में, जैसे आप या कई लोग मानते हैं कि बहुत दिक्कत होती है, कुछ होती है, ऐसा नहीं है। आजकल हमारे पास काफ़ी मेडिसिन हैं जिनसे काफ़ी पेशेंट्स को मेडिसिन से ही फ़र्क पड़ा है, और कई लोगों को करना जब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, मेडिसिन नहीं वो करती है असर, तो हमारे पास दूरबीन ऑपरेशन होता है जो कि एक छोटा ऑपरेशन है, यूजली 1 या 2 दिन में हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, कोई टांका कोई चीरा ऐसा उस पर नहीं लगता, एंड पेशेंट्स आर वॉकिंग आफ्टर 2 डेज। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी में लोग कई बार जो नीम हकीम हैं, जो ताकत के बादशाह हैं, उनके पास फंस जाते हैं एक तरह से, क्या कहना चाहेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी आज जो है वो ट्रीटेबल है, और किसी बड़े डॉक्टर के पास, बढ़िया डॉक्टर के पास आप जाते हो तो साइकोलॉजिकली और वो आपको जैसे गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो ये बिल्कुल ही कोई ऐसी बात नहीं रही कि आपको वैसे ही उन चीज़ों के लिए जिनको आपको पता ही नहीं कि क्या है इसमें क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो लोग इधर उधर फंस रहे हैं उसके बारे में मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा देर लटकाए नहीं, सही टाइम पे अपनी सही डॉक्टर से मिले, अपनी प्रॉब्लम खुल के बताएं उन्हें, और काफ़ी आज की लेटेस्ट उसमें काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है, ठीक है, ना सिर्फ इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कई बार हम इधर उधर केमिस्ट के पास चले जाते हैं, नीम हकीम के पास अफीम वैसे सब करने लग पड़ते हैं, उससे बॉडी के नुकसान भी होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज के अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है एंड दोनों में अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। एंड सर स्टोन जो किडनी के स्टोन हैं उनको भी कई बार बंदे लाइटली ले लेते हैं, और धीरे धीरे आज का जैसे सिनेरियो है कि लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में है और वो लोग उस चीज को पहले तो लेते नहीं है, उनको लगता है कोई नहीं है, छोटी सी है, कोई गल नहीं है, और बाद में वो बहुत ही भयंकर रूप धारण कर जाती है, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो चीजें हैं इनको हमने लाइटली नहीं लेना, और अगर वो है स्टोन तो ये कोई, आजकल तो आपके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आपको कोई टंके बड़े नहीं है, डिले नहीं है, आपको हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ता। देखिए स्टोन चाहे छोटा है चाहे बड़ा है उसको इग्नोर ना करें, मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी से हम बहुत से स्टोन्स को बिना ऑपरेशन के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। स्टोन कहाँ फंसा है, किस साइज का है, कितने स्टोन है, पेशेंट का क्रिएटिन और बहुत सी चीज़ें देख के हम आगे चलते हैं। लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे ऑपरेशन कर देगा, चीर फाड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी स्टोन्स को हम मेडिकली निकाल पाते हैं, जो फंस जाते हैं या दिक्कत करते हैं हमारे पास दूरबीन तरीके हैं। आज की वो आजकल हार्डली कोई ऐसा पेशेंट होता है जिनको हमने कभी टांका लगाया हो,
मोस्टली पेशेंट दूरबीन से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि होशियारपुर में हमने फर्स्ट टाइम मिनी पीसीएनएल और टोटल ट्यूबलेस पीसीएनएल शुरू किया है, जिसमें ट्यूब भी नहीं पड़ती और जो हम दूरबीन लेते हैं वो बहुत बारीक होती है, जिसे हम नॉर्मल पीसीएनएल की बजाय उसको मिनी पीसीएनएल कहते हैं। तो उसमें पेशेंट का ब्लीडिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर है और पेशेंट जल्दी घर जाता है, एक या दो दिन के अंदर पेशेंट घर चले जाता है। सर, ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे क्या करते हैं? दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। एक तो मैं अपने सारे डॉक्टर भाई बहनों को हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहूंगा और पेशेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि जैसे सबने कहा है कि ईट हेल्दी, कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाएं, घबराएं नहीं। और यूरोलॉजी के रिगार्डिंग में ये कहना चाहूंगा कि अच्छे से पानी पिए, एडिक्वेट वाटर लें, सो दैट के स्टोन्स ना बने, इन्फेक्शंस ना हो, और अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, या अपने नियर बाय डॉक्टर को आके एक बार मिले। दूसरी चीज, नशा पत्ता स्पेशली तंबाकू, वो बहुत हानिकारक चीज है। 50-70% कैंसर कहीं ना कहीं से तंबाकू से रिलेटेड हैं, तो उसको प्लीज आज का दिन त्यागे और हेल्दी डाइट ले और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, लास्ट वीक 22-26 हमने यूरिन इनकॉन्टिनेंस वीक मनाया है, वर्ल्ड इनकॉन्टिनेंस डे। इसमें क्या होता है, स्पेशली फीमेल्स को, इवन मेल्स को, बार बार यूरिन आना, पेशाब निकल जाना, कभी खांसी करना जोर लगाने पे, बहुत कॉमन सी चीज देखी जाती है स्पेशली एजिंग वीमेन में, कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशाब के लिए जाना, थोड़ा निकल जाना, खांसी छींक के कारण सामान उठाने पे होना, तो उसका भी काफी हद तक हमारे पास दवाइयां और इलाज है। बहुत नॉन सर्जिकल चीजें भी आ गई हैं, बहुत नई नई मेडिसिन आ गई हैं, तो कृपया घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर के पास आके बताएं क्या प्रॉब्लम है, इसका हल है। तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस वीक के उस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किसी को कोई भी यूरिन से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम हो, निकल जाने का या बार बार आने का या उसका, तो अपने डॉक्टर से आके, यूरोलॉजिस्ट से आके मिले। ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे, पहले तो हम पंजाब प्लस की तरफ से आईवी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को, डॉक्टर्स को बधाई देते हैं, जो जिन्होंने इस एरिया में, अगर हम देखेंगे ये एरिया, आप हिमाचल को भी फीड कर रहे हैं और पंजाब को भी फीड कर रहे हैं, आपका हमारे पंजाब प्लस की तरफ से बहुत बहुत सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि आप एज एमडी मेडिसिन है, सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, और जैसे पिछले डेंगू का एपिडेमिक रहा है पिछले सीजन्स में, और उसके बाद कोरोना का बहुत ज़्यादा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि एक एमडी मेडिसिन तो हर चीज़ के यहाँ डॉक्टर है? देखिए, ऐसे है कुछ बीमारियाँ जो है वो सीजनल होती हैं, जैसे आपने बात करी डेंगू है और लास्ट टाइम कोरोना था, कोरोना तो अभी गया नहीं है पूरी तरह, उसके लिए तो अभी प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ेंगी, मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हाथों की सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भीड़ से बचें, बिकॉज जो कोविड है अब वो ऑलमोस्ट एंडेमिक जैसा ही हो चुका है, और एंडेमिक का मतलब है कि वो हमारी सोसाइटी में पहुँच चुका है, तो वो स्पोरैडिक केस उसके आते ही रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे, एक दो केस ऐसे आते ही रहेंगे, और वो उसका तीव्रता क्या रहती है, माइल्ड रहता है, मॉडरेट रहता है, सीवियर रहता है, वो तो एक अलग बात है, उसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर जिम्मेवार होंगे, पेशेंट की इम्यूनिटी पर डिपेंड करेगा, या वायरस की वायरुलेंस पर डिपेंड करेगा, या स्ट्रेन कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा, तो अभी भी उसके लिए प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। दूसरी बात डेंगू की है, डेंगू का सीज़न अभी आएगा, बिकॉज अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो 15 दिन की अभी टाइम पीरियड है फॉर द प्रिपरेशन, बट 15 अगस्त से बाद डेंगू यूजली स्टार्ट हो जाता है, तो डेंगू में भी आपको रोकथाम ज़्यादा जरूरी है डेंगू के लिए, क्योंकि डेंगू अगर पहली बार होता है तो कभी कभी कम सीरियस होता है, बट कई पेशेंट्स को अगर डेंगू दूसरी बार होता है तो वो ज़्यादा सीरियस होता है, ख़तरनाक होता है। दूसरी बात है किसको डेंगू सिंपल होगा, किसको खतरनाक होगा या सीरियस होगा, वो भी एक परमात्मा की देन ही होती है, वो यू कांट प्रेडिक्ट कि इसको सिंपल होगा या सीरियस होगा, तो सीरियस डेंगू आमतौर पर जानलेवा होता है, तो सिंपल डेंगू में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी एक तो हेल्थ डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको मच्छरों से बचाव करना है, जो खड़ा पानी है उसको आपने, उसका निकासी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें लार्वा जो डेंगू का है वो नहीं पनपना चाहिए, और आपको फुल स्लीव्स, बाजू अगर आप पहन सकते हो स्लीव्स, शर्ट की स्लीव्स तो वो यूज़ करिए, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स है वो यूज़ करिए, अगर आपको ऐसा अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो जिसको मच्छरदानी बोलते हैं वो यूज़ करिए, तो मच्छरों से बचाव जो है वो डेंगू से ज़्यादा हमारा जो बचाव करता है।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि खतरनाक डेंगू, तो वो भी प्रिकॉशंस तो यही रहनी पड़ेगी, उसमें भी कई कोई और ऐसी कोई आजकल आ गई है, मतलब इसकी भी कोई वैक्सीनेशन जिसके साथ जो बंदे बच सकें? देखिए, डेंगू की वैक्सीनेशन तो अभी नहीं है कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है। डेंगू वायरल इलनेस है, वायरल डिजीज़ है, और वो वायरस की तरह ही बिहेव करती है। यूजली कोई भी डेंगू है वो 7 से 10 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू का मतलब है वो डेंगू जिसमें आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो जाए, आपका खाना पीना बंद हो जाए, सांस लेने में दिक्कत आए, पेशाब आने में दिक्कत आए, तो वो जो खतरनाक डेंगू के साइंस हैं। ऐसे अगर आपको कोई भी लक्षण आता है तो वो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, बिकॉज डेंगू एक लेवल तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है ऐसे पेशेंट्स को, बट अगर वो पेशेंट एक लेवल से आगे चले जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ है कि प्रिकॉशन तो सेम ही रहेंगे, वायरस तो सेम ही है, और पेशेंट किस पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड होगा, किस पेशेंट को सिंपल होगा, ये यू कांट प्रेडिक्ट, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर, एज ए पेशेंट यू कैनॉट प्रेडिक्ट। डॉक्टर को तो देख के पता चल जाता है कि इसको सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो इसमें एक ही होता है कि अगर आपको डेंगू पहले हो चुका है तो जब दोबारा डेंगू होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये सीजनल है या पहले, जैसे किसी को 2 साल पहले हुआ है अब फिर हो गया दोबारा, मतलब वो सीजनल सोचे या मतलब उसी सीजन में? नहीं, ऐसा नहीं है। डेंगू की 4 टाइप्स होती हैं, उसमें पहले किसी एक टाइप से होगा, अब सेकेंड टाइम किसी और टाइप से होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले हुआ तो ठीक है, ऐसा नहीं है। एक ही सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले सीजन भी इसमें काउंट होंगे। अगर सेकेंड टाइम हो रहा है तो इट विल बी मोर डेंजरस टू द बॉडी। थैंक यू सर।